ओम शांति। हम सभी मधुबन पहुंच गए हैं। ऐसे तो 18 जनवरी का दिन नजदीक आ रहा है। पूरा जनवरी मास अव्यक्त मास होता है, तो सबकी बुद्धि मधुबन में ही होती है। और आज विशेष आदरणीय राजू भाई जी हमारे साथ हैं, तो हम सब संपूर्ण रीति से जैसे मधुबन में पहुंच गए हैं, वैसे राजू भाई को भी शायद होगा कि मुझे निमंत्रण तो वैशाली बहन हेमा बहन ने दिया है, लेकिन राजू भाई आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक 108 घंटे का प्रोग्राम वेस्ट कोस्ट के सभी सेंटर मिलके कर रहे हैं। तो आज विशेष वैशाली बहन को संकल्प आया, हंसा बहन आप पहले राजू भाई का स्वागत करो, हर वीक आपका अलग अलग बहने स्वागत करेगी। आज 13वां दिन है, ऐसे भारत में कहते ना 13वें दिन पर सब काम पूरा हो जाता है तो ऐसे यहाँ भी 13-13 कहकर सब बाबा के बन गए हैं। लेकिन आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि 13 दिन में हमने लगभग 4,000 घंटे मेडिटेशन किया है कलेक्टिवली, क्योंकि रोज लगभग सुबह अमृत वेला, उसके बाद 7 से 7:30 मेडिटेशन, फिर 10 से 11 मेडिटेशन, और शाम को 2 घंटा कभी 3 घंटा भट्ठी करते हैं। तो उस रीति से मिला करके, और हर ग्रुप में 80 लोग एवरेज होते हैं, कभी ज्यादा होते कभी कम होते हैं। तो उस स्थिति से मैं गिनती कर रही थी कि लगभग रोज का हमारा 400 घंटा हो जाता होगा। तो आप देखो 13 दिन में लगभग 5,000 घंटे हो गए कलेक्टिवली। कोई ने कितने घंटे किया, कोई ने कितने घंटे किया, क्योंकि जैसे मैं गिनू कि हमने 2 घंटा योग किया, उस समय पर 100 भाई बहने थे तो 200 घंटे हो गए ना। तो उस रीति से हाँ कलेक्टिवली गिनती करे, फिर सुबह में जैसे 50-60 भाई बहने होते हैं तो 1 घंटा 60 भाई बहनों ने किया तो 60 घंटे हो गए। अमृत वेला लगभग 80-90 भाई बहने होते हैं तो 90 घंटे हो गए। तो उस रीति से मैंने गिनती किया कि 200 घंटा और उस रीति से ऑलमोस्ट मिला करके 350-400 घंटा एवरेज एक दिन का अगर सबका कंबाइंड करे तो हो जाता है। तो 13 दिन में लगभग मोर देन 4,000 आवर्स मेडिटेशन हम लोगों ने किया है, बड़ी एकाग्रता से, बड़ी लगन से, बड़े प्यार से सब प्यारे बाबा को याद करते हैं। और सब भाई बहने भी इतने विशेषता वाले हैं, विशेष हमारी गीता बहन भी साथ में है, हेमा बहन गुप्त रूप में है क्योंकि भारत में है, वैशाली बहन, ये लोग सभी भी अपना दर्शन कराएंगे। विशेष चंद्रू दीदी की शुभ भावनाएं शुभकामनाएं हम सबके साथ रहती हैं, और सुकन्या बहन आदि जो भी बहने हैं तो सभी साथ में मिलकर बहुत प्यार से कर रहे हैं। तो हम सभी आपका कैसे स्वागत करें, क्योंकि आपका स्वागत करने के लिए तो कोई इनफ शब्द नहीं है। तो वैशाली बहन गीता बहन भी अपनी नैनों से हम सबको मुलाकात कराएंगे। तो अभी सभी मिल करके आपका स्वागत करते हैं, हम गैलरी व्यू करते हैं ताकि हर एक हमारे आदरणीय राजू भाई, जिनको प्यारे बाबा ने मुरली का ऐसा सुंदर कार्य दिया है, और आज आप लगभग ऑलमोस्ट 50 वर्ष से भी ज्यादा समय से आप बाबा के यज्ञ में, मेरे को तो छोटेपन से अनुभव है, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी जाती थी तो राजू भाई, सूरज भाई, सभी ऐसे बाबा के अनन्य महारथी पांडव भाई हमें बहुत पालना देते थे, तो हमने तो बहुत छोटेपन से आपसे कई बातें सीखी हैं, प्रेरणाएं पाई हैं। तो वैशाली बहन सब वेस्ट कोस्ट की ओर से गोल्डन फ्लावर से, गीता बहन
हम राजू भाई का स्वागत करते हैं सभी। तो अच्छी तरह से आप हमारी माताएं कैंडल लेके कैसे कैसे आपका स्वागत कर रही हैं। तो आप हम सबको ये 4 वीक बहुत हम सबको खजाना मिलने वाला है। बहुत अच्छी तरह से हमें अव्यक्त स्थिति का अनुभव होने वाला है। विशेष करके वैशाली बहन ने भी आपसे बात किया है कि ये सभी बाबा के झूम के बच्चे हैं, आधे से ज्यादा तो, कि जिन्होंने मधुबन भी नहीं देखा है तो भी आप ऐसा अनुभव करा रहे हैं कि हमें लगता है कि हम मधुबन में हैं। तो मुझे लगता है कि अभी आप अपना वैशाली बहन भाई साहब शुरू करें। राइट शांति, हम सभी का समय न लेते हुए भाई जी अभी हमें 18 जनवरी की मुरली के ऊपर हमें विशेष जो बाबा ने लक्ष्य दिए हैं उस पर हमें कुछ ज्यादा अटेंशन वाले पॉइंट्स से हमें लाभान्वित करेंगे। थैंक यू सो मच, वेलकम भाई जी। ओम शांति। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज विशेष दिन पर भारत के अंदर मकर संक्रांति का पर्व बहुत धूमधाम से मनाते हैं और विशेष तिल और गुड़ खाते हैं। तो ऐसे समय पर पतंग चलाएंगे, खूब खुशियां मनाएंगे। गुजरात में तो बहुत धूमधाम से पर्व मनाते हैं। तो ऐसे शुभ दिन पर आप सबने याद किया, सभी ने बाबा की ताज पोशी तक की मुरली तो सुनी। 18/1/2010 के बहुत सुंदर महावाक्य हैं जिसमें बाबा ने ब्रह्मा बाबा के पुरुषार्थ के विषय में और विशेष जगदम्बा माँ को विशेष याद करते हुए उनकी विशेषताएं क्या रही, दोनों हमारे सामने माता पिता के रूप में संगम युग पर हमें अपने समान बनने की बहुत सुंदर शिक्षाएं देते हैं। तो आज के अव्यक्त महावाक्यों में जो आप सभी सुन रहे हैं, इसमें एक तरफ स्नेह की बात सुनी कि स्नेह का दिन है 18 जनवरी का और सभी बाबा के बच्चे विशेष अमृत वेले से भी पहले से ही मधुबन में भी 2 बजे से ही बाबा के कमरे में जाते हैं, बहुत अच्छी रूह रिहान करते हैं, शक्तियां लेते हैं, वरदान लेते हैं। कई बच्चे उलहने भी देते हैं कि बाबा आप हमसे पहले, हम आए और उसके पहले आप अव्यक्त हो गए। तो इस प्रकार की स्नेह की माला बच्चे बाबा को पहनाते हैं और बाबा भी बच्चों को बहुत स्नेह का रिस्पॉन्ड करते। लेकिन आज के दिन की जो विशेषताएं बाबा सुना रहे हैं कि ये ताज पोशी का दिन है, क्योंकि बाबा जब अव्यक्त हुए तो दीदी दादी को विशेष निमित्त बनाया। आप सबको पता होगा 18 जनवरी 1969 को बाबा का अचानक ही जाना हुआ, अव्यक्त हुए, और 21 तारीख को जब अंतिम संस्कार पूरा हुआ उसके बाद गुलजार दादी जी ने बाबा को भोग लगाया और भोग के समय बाप दादा दोनों ही गुलजार दादी के रथ में प्रवेश हुए और दीदी दादी को विशेष ताज पहना करके, कलश रख करके उनके सिर पर उनको निमित्त बनाया। तो बाबा याद दिला रहे हैं कि ये ताज पोशी का दिन है क्योंकि विश्व सेवाधारी प्रैक्टिकल में अभी बच्चों को बनना है, बाबा भी बैकबोन बन गए और बाबा करावनहार बन करके कराएंगे, लेकिन करने वाले निमित्त करणहार आप बच्चे हो। बाबा जैसे अव्यक्त बने ऐसे अव्यक्त बन करके आप बच्चों को विशेष सेवा भी करनी है, विश्व कल्याण का कार्य भी करना है और ब्रह्मा बाबा के समान फरिश्ता बनने का भी अटेंशन देना है। इस मुरली में विशेष बाबा ने एक बात अंडरलाइन कराई है
कि कई बच्चे अमृत वेला तो बहुत अच्छा करते हैं, शक्तिशाली करते हैं, लेकिन जब कर्म में आते हैं तो जिस प्रकार से कर्म योग का अभ्यास होना चाहिए वो कर्म योग का अभ्यास नहीं चलता, कहीं ना कहीं कर्म में योग टूट जाता है। उसकी बाबा ने बहुत अच्छी विधियां बताई हैं और उस विधियों में कहा है कि बच्चे जैसे बाबा भी करावन हार बन करके आप बच्चों से करा रहे हैं, ऐसे अभ्यास करो कि मैं आत्मा करावन हार हूँ, ये कर्मेंद्रियां करण हार है, करण हार कर्मेंद्रियां हैं, करावन हार मैं आत्मा हूँ। इस स्मृति से आप कर्म योगी बन जाएंगे और विशेष इसके लिए मन का टाइम टेबल बनाओ। मूल मुरली का जो इसेंस है, जो आज हेडिंग में इसमें लिखा गया है, वो भी यही है कि मन का टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि दिनचर्या याद रहती है कि मुझे आज के दिन ये कार्य करने हैं। जिस प्रकार की सेवाएं होती हैं, जिस प्रकार की कोई जॉब होती है, उसी प्रकार की प्लानिंग चलती है कि सुबह से रात तक हमें ये करना है। तो जैसे हम कर्म के लिए टाइम टेबल बनाते हैं, ऐसे ही बाबा ने कहा मन का टाइम टेबल बनाओ। और मन के टाइम टेबल की बहुत अच्छी विधि बताई कि जिस प्रकार का कर्म है उस प्रकार का सामान ले लो। जैसे माताएं भोजन बनाती हैं तो उस समय का सामान लो, जैसे हम मुरली सुनते हैं, क्लास करते हैं, उस समय का सामान ले लो। तो पूरी दिनचर्या के अंदर जिस प्रकार का कर्म है उसी प्रकार का सामान हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं किस प्रकार के सामान हमें याद रखने चाहिए। जैसे हम अमृत वेले आँख खुलती है तो पहला सामान लेते हैं, बाबा मैं आपका बहुत लाड़ला सिखीलधा लवली बच्चा हूँ। ये भी एक सामान है कि भगवान का मैं बच्चा बालक सो मालिक हूँ, और बालक सो मालिक बन करके जब बाबा से रूपध्यान करते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। ऐसे ही जब हम मुरली सुनते हैं तो ये सामान स्मृति में रहता है कि बाबा मैं तो गॉडली स्टूडेंट हूँ, आप पढ़ाने के लिए परमधाम से मुझ आत्मा को कितना दूर से आकर के पढ़ा रहे हो, योग्य बना रहे हो। तो समय अनुसार फिर कर्म क्षेत्र पर हम जाते हैं तो हम एक रूहानी योद्धे की तरह हैं, कई प्रकार की बातें आती हैं, उस पर हमें कर्मयोगी बन करके विजयी बनना है। कहीं पर भी माया की कोई भी प्रकार की बातें आए, हमें माया जीत बन करके रहना है, हम विजयी आत्मा हैं। तो विजयीपन का एक सामान लेते हैं कि हमने कल्प कल्प विजय प्राप्त की है और कर्म योगी बन करके मुझे रहना है, तो एक सामान मिलता है। अगर हम वो ले लेते हैं तो कर्म में युद्ध के अंदर जैसे हम हैं और युद्ध में हम युधिष्ठिर हैं और हमें विजयी बनना है, विजयीपन का सामान ले लेते हैं। फिर हम दूसरों की सेवा करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो हम खुदाई खिदमतगार हैं, हम खुदा की खिदमत के लिए ये विशेष जो भी हम कार्य कर रहे हैं उनकी श्रीमत पर कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम योग अभ्यास करते हैं तो हम एक रूहानी यात्री हैं। तो भिन्न भिन्न रीति से जो जिस जैसा समय है उसी समय प्रमाण हम मन को एक सामान दे दें, और मन अगर उस सामान में स्थित हो जाएगा तो कर्म करते हुए भी हम मनमना भाव रह सकते हैं, कर्म योगी बन सकते हैं। तो हरेक को मन का टाइम टेबल बनाने की विधि सीखना है। हम लोगों को शुरू शुरू में दीदी ने यही विधियां सिखाई कि जो कर्म जैसा कर्म करते हो उस समय उसी तरह का सामान लो और याद रखो कि इस सामान में रह करके मुझे कर्म करना है। मैं कल्प कल्प का विजयी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, मैं कर्म योगी हूँ। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कर्म के अंदर सामान ही हमें मन के टाइम टेबल में मदद करते हैं। और मन हमारा जब इंगेज रहता है अंदर अंदर मनन चिंतन में उस सामान की स्मृति में, तो मन का भटकना बंद हो जाता है, मन मनाभाव सहज हो सकते हैं। तो बाबा ने आज की इस मुरली में विशेष ये अंडरलाइन किया है कि कैसे मन के टाइम टेबल से आप बच्चे कर्म योगी बन सकते हो। कर्म योगी बने, कर्म करता नहीं, हम कर्म कर रहे हैं लेकिन करने का भान न रहे उसका हमें अभ्यास करना है। साथ साथ बाबा जो अव्यक्त हुए उस दिन का वो अनुभव भी बताते हैं कि ब्रह्मा बाबा कैसे अचानक गए।
कोई के मन चित्त में नहीं था कि बाबा ऐसे अचानक हम सबके बीच से चले जाएंगे, लेकिन बाबा ने 3-4 बातें इस पर अंडरलाइन कराई हैं कि आप बच्चों ने देखा होगा कि बहुत समय से ब्रह्मा बाबा ने गुप्त रीति से अशरीरी बनने का अभ्यास किया, और अशरीरी बनने का ऐसा अभ्यास जो कहीं पर भी कोई भी चीज आकर्षित न करे, खिंचाव न हो। पुराना हिसाब किताब सहज रीति से चुकतू किया और चारों सब्जेक्ट पर बाबा ने ध्यान दिया, ज्ञान योग धारणा और सेवा, चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 लेना है, पुराने हिसाब किताब को सहज चुकतू करना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, और कोई भी आत्मा आकर्षित न करे उसके लिए सबके साथ रहते संबंध निभाते बाबा प्रैक्टिस करते थे नष्टो मोहा बनने की। इसलिए बाबा ने कहा देखो बच्चे सामने थे, बच्चे के हाथ में हाथ था, लेकिन फरिश्ता बनने से कोई भी अपनी तरफ रोक नहीं सका। बाबा सहज ही हाथ में हाथ देते हुए इस शरीर से अलग हो गए, क्योंकि बहुत समय बाबा ने अशरीरी बनने का अभ्यास किया। तो आप बच्चे भी इसमें फॉलो फादर करो कि हम कर्म करें, साकार में आए। बाबा ने कोई भी कर्म लास्ट दिन तक भी नहीं छोड़ा, लास्ट में भी लास्ट 18 जनवरी के दिन भी बाबा ने अमृत वेले से रात तक की जिस प्रकार की दिनचर्या थी सब कर्म किए, लास्ट में मुरली भी सुनाई, और मुरली सुनाने के बाद बाबा अव्यक्त हुए। तो बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे जैसे ब्रह्मा बाबा नष्टो मोहा रहे, कर्मयोगी बन करके रहे, ऐसे आप बच्चे फॉलो फादर करो। मम्मा की एक विशेषता जो बाबा बार बार वर्णन करते हैं, मम्मा कभी भी कर लेंगे हो जाएगा नहीं, जो करना है अभी करना है, क्योंकि अंतकाल कभी भी आ सकता है। बाबा ने इसमें अंडरलाइन किया है कि कई बच्चे विनाश की बातों का बहुत ध्यान रखते हैं, कब विनाश होगा, किस डेट में होगा, कितना समय होगा। बाबा ने कहा बच्चे विनाश की डेट को सोचने की बजाय शरीर की डेट कब हो जाएगी, कब शरीर खत्म हो जाएगा, उसका विचार क्यों नहीं करते हो, क्योंकि अचानक कितनी सारी लहरें आती हैं। अभी ये कोरोना काल के अंदर कितने लोग अचानक चले गए, कभी उनके मन चित में भी नहीं था, यंग एज में अभी अभी हॉस्पिटल गए और 2-3 दिन के बाद शरीर छूट गया, कुछ भी पता नहीं चलता। इसलिए बाबा ने उसी समय हमें सावधान किया कि बच्चे सृष्टि का अंत तो जब हो, लेकिन आपके शरीर का अंत कब हो जाएगा उसके लिए आप एवर रेडी रहो। अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास, यही 3 बातें जो मम्मा के प्रैक्टिकल जीवन में थी उसी पर बाबा ने इस मुरली के अंदर विशेष अंडरलाइन कराई है कि बच्चे ध्यान दो, अचानक कभी भी कुछ हो उसके पहले मैं आत्मा संपन्न संपूर्ण बनूं। और मम्मा का यही स्लोगन अंत तक स्मृति में मम्मा ने रखा, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, कोई भी घड़ी शरीर से आत्मा जा सकती है। इसलिए उन्होंने बहुत काल तक अशरीरी बनने का अभ्यास किया, सब बातों से उपराम रही, न्यारी प्यारी रही, और 1 सेकंड में मम्मा ने भी देखो लास्ट दिन मम्मा ने 24 जनवरी को जब मम्मा अव्यक्त हुई हैं, लास्ट समय मम्मा ने अपने हाथों से बच्चों को अंगूर खिलाए, और अंगूर खिलाने के बाद जब सबको अंगूर दे दिए उसके बाद 1 मिनट में शरीर से अलग हो गई। तो कहने का मेरा भाव ये है कि आज की मुरली में जो आप सभी अध्ययन कर रहे हो, इसमें मम्मा की यही 2 विशेषताएं बाबा ने सुनाई हैं, एक उनकी स्मृति में सदा ही रहा हर घड़ी अंतिम घड़ी है और अंतकाल का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आप बच्चे, डेथ की डेट नहीं बताई जाएगी लेकिन अचानक होगा, आप सब इसके लिए अभ्यास करो, विनाश की डेट कॉन्शियस नहीं बनो, सोल कॉन्शियस बनने का अभ्यास करो। दूसरी बात, बाबा ने उस समय की बात को याद किया कि शुरू शुरू में जब ब्रह्मा बाबा के तन को शिव बाबा लेने वाले थे, जब 1936 में बाबा के तन में प्रवेशता होनी थी, उसके पहले बाबा ने 1932 में एक डायरी बनाई थी। वो डायरी मुझे मिली थी, लच्छू दादी ने मुझे दी थी, मैंने टाइप भी किया उसमें।
1932 में बाबा ने जो प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया दरबार लगाने का, राज दरबार, उसको इस मुरली में विशेष अंडरलाइन बाबा ने किया है कि ब्रह्मा बाबा ने कैसे राज दरबार लगा करके मन बुद्धि संस्कार और कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त कर ली, तब से बाबा उनमें प्रवेश हुए, उसके बाद इतना बड़ा कार्य स्थापना का किया। आप बच्चे भी रोज दरबार लगाओ, और विशेष करके आत्मा राजा है उस सीट पर बैठ करके अपने सहयोगी साथियों से हालचाल पूछो, ये मन क्यों भटकता है, तुम किधर जाता है, तुम मुझे बाबा का ध्यान योग क्यों नहीं करने देता है, बुद्धि तुमको क्या चाहिए। ऐसे एक एक कर्म इंद्रिय से, सूक्ष्म शक्तियों से और ये स्थूल कर्म इंद्रियों से भी हमें आपस में बैठ करके दरबार की तरह राजा बन करके सीट पर बैठ करके इनसे हाल चाल पूछना है, इनको अपने कंट्रोल में रखना है, आर्डर प्रमाण चलाना है। तो बाबा बहुत अंडरलाइन हम बच्चों को कराते हैं कि बच्चे चेक करो, क्या जो सोचो वही कर सकते हो, जितना समय जिस स्थिति में आप रहना चाहो उस स्थिति में स्थित रह सकते हो, चेक करना चाहिए बार बार अपनी सूक्ष्म चेकिंग। कोई भी कर्म इंद्री मुझ आत्मा का कहना मानती है या नहीं मानती है, इसमें बाबा ने एक और अच्छा सम्मान दिया है कि बच्चे आप सब मास्टर सर्वशक्तिवान हो, सिर्फ शक्तिवान नहीं लेकिन सर्वशक्तिवान हो, और सर्वशक्तिवान उसको ही कहा जाता है जिसकी हर शक्ति आर्डर प्रमाण काम करे। उसकी विधि ये है कि जितना समय हम अपनी सीट पर सेट रहते हैं उतना हमारी कर्म इंद्रियां और हमारी शक्तियां कहना मानती हैं। तो ये सोमान की सीट है, और इस सीट में जितना हम स्थित हैं उतना अपने संकल्पों को, अपनी बुद्धि को आर्डर प्रमाण चला सकते हैं, और जिस समय जिस शक्ति की जरूरत है, कभी सहन करना पड़ता है, कभी सामना करना पड़ता है, कभी समाना पड़ता है, आर्डर करें और वो शक्ति हाजिर हो जाए। करने के बाद हो गए कुछ, नुकसान हो गया, संकल्प विकल्प चल गए, भूल हो गई, उसके बाद हम सोचते हैं अरे सहन तो कर लेना चाहिए, हमसे गलती हो गई, तो बाबा कहते हैं वो ज्ञानी आत्मा नहीं है। ज्ञानी आत्मा करने के पहले, बोलने के पहले, सोचने के पहले भी सोचती है कि ये करना है या नहीं करना, श्रीमत क्या कहती है। तो बाबा ने इस प्रकार हम सबको अपने सम्मान की सीट पर रह करके अपनी कर्म इंद्रियों को अपने आर्डर प्रमाण चलाओ, और कोई भी कर्म इंद्रिय वर्तमान समय धोखा न दे, हर श्रीमत में हाजी करो। तो मम्मा की दूसरी विशेषता बाबा ने सुनाई कि मम्मा ने एक ही स्लोगन याद किया था, जो हुकुम जो आज्ञा, और श्रीमत में कहीं पर भी उन्होंने मन मत मिक्स नहीं की। तो बाबा की जो श्रीमत मिल रही है उसमें कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क नहीं। मम्मा कभी भी कोई अगर पूछता भी था, बाबा ने ये कहा है मम्मा आपका क्या विचार है, तो मम्मा कहती थी मेरे विचार, बाबा के महावाक्यों में मेरे विचार कहाँ से आ गए, ये भी अपना अहम हो जाएगा। भगवानों वाच्य है जो श्रीमत है, अगर बाबा कह रहा है दिन के समय बच्ची रात है तो भी मम्मा कभी भी क्वेश्चन नहीं करती थी, हाँ बाबा जी बाबा, ये शब्द ही उनको संपन्न और संपूर्ण बना गए। हम सबको भी बाबा कहते हैं बच्चे जो भगवान वाच है उसमें क्यों क्वेश्चन करते हो, वो तो होना ही है, निश्चित है, भगवान कह रहा है, कोई इंसान थोड़ी कह रहा है। हम अल्पज्ञ हैं, अल्प बुद्धि है, वर्तमान को देखते हैं, कई प्रकार के क्वेश्चन करते हैं, जैसे पूछते हैं अब उस समय हमारे हिमाचल के एक चीफ मिनिस्टर जी आए थे, बहुत सहयोगी हैं, बाबा के अनन्य बच्चे बन करके ही रहे, सदा ही जो सेवा, जो कहीं पर बहनों ने बुलाया सेवा में मददगार थे। भले ऐसे लोग वीआईपी सीट पर जब होते हैं तो रोज मुरली तो नहीं सुनते, क्लास तो नहीं कर पाते, लेकिन एक भावना उनकी कितनी ऊंची, और बाबा के हर कार्य में मददगार। तो बाबा के सामने आए तो बाबा ने कहा बच्चे आपका घर है, आप जब चाहे आ सकते हो, आते रहना,
और उनकी जो सिक्योरिटी थी उनको भी कहा आते रहना। लेकिन बच्चों के प्रश्न उठते हैं, देखो बाबा तो कहता है जो पवित्र हैं, योगी हैं, अनन्य हैं, उनसे ही मैं मिलता हूँ, इनसे क्यों मिलते हैं? लेकिन बाबा जानता है कि किस बच्चे को कितना भक्ति का फल मुझे देना है, कैसे देना है और किस प्रकार की उनकी भावनाएं हैं। भावनाओं का रिटर्न भगवान देने के लिए बंधा हुआ है। इसलिए इस प्रकार के जब प्रश्न उठते हैं तो मैं समझता हूँ कुछ ज्ञान की कमी अभी है। ज्ञान का अच्छा चिंतन करना चाहिए। अगर भगवान कोई बच्चों की महिमा कर रहा है, कोई से मिल रहा है और उसको प्रोत्साहित कर रहा है तो उसके पीछे बहुत बड़े राज होते हैं। शिव बाबा को अपनी भक्ति का फल बच्चों को देना है। लेकिन बच्चे प्रश्न करते हैं कि आज अज्ञानी है, वो कोई ज्ञान में नहीं चलता है, पवित्र नहीं रहता है, फिर बाबा से स्टेज पर कैसे मिलता है? बाबा तो जानता है। आज कितने भाई बहने सिंधी आते हैं जो पूरे धारणाओं में नहीं है, पूरे नियमों में नहीं है, लेकिन बाबा के पास मधुबन आते हैं तो उनको स्टेज पर बुलाया जाता है, बाबा से स्पेशल मिलाया जाता है, टोली दिलाई जाती है। अब सबको संकल्प चलाने वाले तो कराते हैं कि हम इतने समय से नियमों को पालन करते हैं, धारणाओं पर चलते हैं, मेरा तो कोई मान ही नहीं है और ये लोग तो देखो ऐसे गृहस्थी में रहते हैं, बाल बच्चे हैं, परिवार हैं, पतित बनते हैं, फिर भी बाबा इनसे मिलता है। बाबा उनकी जन्म पत्री को जानता है और उस जन्म पत्री को जान करके उनको इतना स्नेह देता है। इन बच्चों के द्वारा ही आज विश्व सेवा हुई है, आज इतने सेंटर्स खुले हैं, उनके तन मन धन के सहयोग से उनकी भावनाएं कितनी अच्छी हैं। तो जिन्होंने भगवान के कार्य में मदद की है, सच्चे दिल से सेवा में सहयोगी बने हैं, धारणाएं हो जाएंगी, बाबा उन्हें पवित्र बनाएगा, लेकिन कहीं प्रश्न उठाने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब इनको बहुत विशालता से त्रिकालदर्शी स्टेज पर बैठ करके देखेंगे तो प्रश्न नहीं उठते, नहीं तो कई प्रश्नों में ब्राह्मण आत्माएं भी उलझ जाती हैं, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे। बाबा कहते बच्चे अगर प्रसन्न चित्त स्थिति में रहना है तो इस प्रकार के प्रश्नों में उलझना नहीं। दूसरी बात, टू लेट का बोर्ड। बाबा ने नए बच्चों को कहा, बच्चे अभी तो आपको चांस मिला है, देखो आज 2017 के बाद जो हमारे लॉकडाउन में बाबा के बच्चे आए हैं, भले बाबा का ऊपर से अव्यक्त वतन से पाठ चल रहा है, बाबा बच्चों को बड़े अच्छे अच्छे अनुभव करा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से साकार वालों ने साकार की पालना ली, हम अव्यक्त वाले जब आए तो वो पालना तो वंचित हो गए। आज अव्यक्त रूप से गुलजार दादी के तन से इतना समय बाबा ने पाठ बजाया वो भी पूरा हो गया। तो अभी धीरे धीरे टू लेट का बोर्ड लगता है, एक साथ तो लग नहीं जाता, लेकिन इस प्रकार से आज साकार में तो हम बाबा से नहीं मिल सकते। हाँ, बुद्धि योग जितना स्वच्छ है, पवित्र है, जो अव्यक्त स्थिति में रहने का अभ्यास करेंगे, जिनकी बहुत ऊंची भावनाएं हैं, वो बाबा को बुद्धि बल से पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। मेहनत तो लगेगी। अब जो अव्यक्त रूप में सामने मिले हैं, अभी आने वाले कहें कि हम भी वैसा अनुभव कर लेंगे, तो थोड़ा उनको मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसलिए टू लेट का बोर्ड तो धीरे धीरे लग रहा है। और दूसरी बात टू लेट के बोर्ड की ये है कि ऐसा समय अचानक आएगा जो बाबा कहता है तुम्हें पुरुषार्थ करने के लिए समय नहीं मिलेगा, इतना दुख बढ़ेगा, इतनी अशांति होगी, जो आत्माएं आपके पास भागेंगी या पुकारेंगी तो उनकी पुकार सुनना, उन पर उपकार करना, उनको रहम की दृष्टि से देखना। तो बाबा कहता है ऐसा समय आएगा जो आपको अपने पुरुषार्थ के लिए समय नहीं रहेगा, आपका तन मन धन सफल नहीं हो सकेगा, वो कहेंगे टू लेट का बोर्ड। तो अभी टू लेट का बोर्ड तो लगने वाला है, उसको भी बाबा ने इस मुरली में याद किया है। अचानक लगेगा, जब कभी भी कोई चाहेगा कि मैं इतना पैसा दे दूं, इस सेवा में लगा दूं, ये सेवा कर लूं, चाहते हुए भी नहीं कर सकेगा। और समय तो दिखा ही रहा है, हम सब देख रहे हैं अचानक अचानक, अभी मधुबन में इतनी अच्छी सीजन शुरू हुई थी, चल रही थी, अचानक ब्रेक लग गई। भले अभी कुछ थोड़े से बच्चे 100-200 आएंगे, लेकिन नियम अनुसार तो सरकार की तरफ से प्रतिबंध हो गए हैं, क्योंकि कोरोना फिर से बहुत फास्ट गति से फैला है। तो कहने का मेरा भाव है कि अभी जो भी समय हमें मिला है, बाबा कहता बच्चे इसमें समय, संकल्प, श्वास, शक्तियां सब सफल करो,
कुछ भी व्यर्थ न जाए, इस पर अटेंशन दो, क्योंकि वर्तमान समय अचानक का बहुत बड़ा खेल चल रहा है और अचानक बहुत सी आत्माएं इस शरीर को छोड़ रही हैं। इसलिए जो समय मिला है सफल हो, एक एक संकल्प पर ध्यान दो, क्योंकि संकल्प की शक्ति से ही विश्व परिवर्तन का कार्य होने वाला है। संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन जो आया सोचते रहते हैं, इधर उधर की बातों में उलझते रहते हैं, मन को भटकाते रहते हैं। इसलिए बाबा कहता बच्चे भटकाओ नहीं, अच्छी स्टडी करो, अच्छी तरह से ध्यान दो और अपने मन को मन मनाभाव बनाओ, सेकेंड में ब्रेक देने का अभ्यास करो। तो मैं समझता हूँ आप सभी जनवरी मास के अंदर बहुत अच्छा अभ्यास करके जैसा बाबा चाहता है मेरे बच्चे लौलीन स्थिति का अनुभव करें, एक सेकेंड में संकल्प करें और बाबा के प्यार में खो जाएं, समा जाएं। ये प्यार ऐसी शक्ति है, जो परमात्म प्यार में समा जाते हैं उनको कोई भी बात खींचती नहीं है, व्यर्थ अपने आप समाप्त हो जाता है, बुद्धि का भटकना अपने आप बंद हो जाता है। सबसे गहरा और पहला पुरुषार्थ है इस समय देह का अभिमान समाप्त हो जाए, देह का भान खत्म हो जाए, जो नेचुरल आदत बनी है देह भान की, वो देही अभिमानी स्थिति हमारी नेचुरल बन जाए। ऐसा अच्छा अभ्यास करो, जब मिलता है समय एक सेकेंड में अपने विचारों को शांत करके भ्रकुटी आसन पर बैठ जाओ, मैं गुफा में विराजमान एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर से अलग हूँ, मैं कर्म कर रहा हूँ तो कर्म इंद्रियां अलग है, मैं अलग हूँ। तो ये अभ्यास अगर जितना हम करेंगे, मैं समझता हूँ हमारी वो कर्मातीत स्थिति बहुत समीप आएगी। और बाबा तो अभी अव्यक्त वतन में बहुत समय हो गया इंतजार करते, बाबा कह रहे हैं बच्चे मेरे समान बनो, अव्यक्त वतन में आओ और फिर साथ साथ वतन का परम धाम घर का गेट खुले। अभी इंतजार है, गेट खुलेगा तब तो इतनी आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलेगी। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा बाबा देने के लिए आया है, हम सब बच्चे भी मुक्त हो जाएं बुराइयों से, विकारों से, संस्कारों से। और बाबा अपने बच्चों को कहे जीवन में रहते मेरे बच्चे मुक्त हैं, तो संगम पर ही जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। सतयुग में तो जीवन भले है लेकिन मुक्त है या नहीं है उनका क्या अनुभव है, उनके पास बंधन ही नहीं है, यहाँ बंधन के बीच में हम मुक्त हैं। तो बाबा हम बच्चों को मुक्त स्थिति में देखना चाहते हैं, हम सब बाबा के स्नेही सहयोगी बच्चे सेकेंड में देह भान से मुक्त रहने का अभ्यास करें। आज की मुरली में है अरे देह रावण की प्रॉपर्टी है, अब इस रावण की प्रॉपर्टी को रावण को दे करके हल्के हो जाओ, आत्मा समझो और बाबा के पास आ जाओ। तो ऐसा गहरा पुरुषार्थ करके बाबा को बहुत अच्छी पालना का रिटर्न करना है। इतनी अच्छी पालना बाबा हम बच्चों की कर रहे हैं, अभी अव्यक्त वतन से पालना हो रही है और विशेष अमृत वेले बैठो तो ऐसे लगता है जैसे बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर है, वो छत्र छाया के रूप में हम बच्चों के ऊपर अपना वरदानी हाथ डाल रहे हैं। तो आप सब विदेश में बैठे, कोने कोने में बैठे, मुझे अच्छा लगा कि हमने सोचा था सिर्फ सैन फ्रांसिस्को का ही क्लास है, लेकिन कहां आप सब पूरे अमेरिका के। अभी मैं समझता हूँ आप सबके मन में जो प्रश्न है, जो हमारी विशाली बहन कह रही थी, उन प्रश्नों को आप पूछेंगे और जो बाबा की तरफ से, हमें तो केवल मुरलियों का ही ज्ञान है, जो बाबा ने पढ़ाया है उतना ही है, उस आधार से हम आपको जरूर उसका उत्तर देंगे। मुरली का सार जो हमने बताया वो यही है, जो 18:1-10 की मुरली आपने पढ़ी है, सुनी है, उसके अंदर यही बातें हैं और इसी पर आप सब मनन करना, चिंतन करना और अभ्यास करना। ओके, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मैं आपको जब सुन रही थी तो नोटिस कर रही थी कि आपने कोई, आपके हाथ में कोई पेपर नहीं था, कुछ ऐसा लग नहीं रहा था कंप्यूटर। नहीं, कुछ नहीं, हमारे सामने है,
कुछ नहीं है बुद्धि में। आई नो, लेकिन आपने लास्ट 45 मिनट्स लिए, आपने पूरी मुरली हमें सुनाई, पूरी एक्यूरेट सुनाई, बिना कोई नोट्स देखे, बिना कुछ देखे। यहाँ मेरे पास खाली 10 क्वेश्चंस आए हैं और उसके लिए भी मेरे पास नोट्स है, तो मैं आपको देख रही थी और उससे काफी प्रेरणा ले रही थी कि आपने जैसे पूरा जैसे मुरली पी ली है, ज्ञान पूरा धारण कर लिया, तो वो देख के बहुत अच्छा लगा। जैसे बाबा ने आज कहा कि टाइम टेबल रखने के लिए, और कहा कि जब भी आप कर्म करते हो तो आप उस समय स्वमान धारण करके करिए, तो आजकल ऐसा है कि जो माताएं भी हैं वो भी काम कर रही होती हैं, वो भी मीटिंग्स में जा रही होती हैं, प्लस घर का भी देख रही होती है, प्लस ज्ञान अपना पुरुषार्थ भी कर रही होती है, तो एक मीटिंग से दूसरे मीटिंग से फटाफट घर आना, खाना बनाना और ये सब करना, तो उस समय कभी कभार जैसे स्वमान याद नहीं रहता या छूट जाता है। तो अगर आप कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे सके कि कौन सा स्वमान कौन से टाइम पे हम यूज कर सकते हैं, तो एटलीस्ट वो सबके मन में रहेगा, बुद्धि में रहेगा। ऐसा है कि कई बार स्वमान को भी स्मृति में रखना होता है, लेकिन जब बहुत बुद्धि कहीं इंगेज होती है तो स्वमान भूल जाता है। इसके लिए कुछ स्थूल साधन बनाने चाहिए, और स्थूल साधन में कोई अच्छी गीत जिन पर बहुत हमारा चिंतन चला है, जो बहुत अच्छे लगते हैं। योग में आप बैठते हैं ना तो बहुत अच्छे अच्छे गीत बजाते हैं, तो ऐसे बाबा के बहुत स्नेह के गीत धीरे से बजा दिया जाए। भोजन बना रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो अटेंशन जाता है बाबा के गीतों पर, ध्यान जाता है और योग लगा रहता है। केवल स्वमान बार बार याद करेंगे तो मैं समझता हूँ थोड़ी मेहनत है। वैसे योग के लिए 5 स्वमान मैं अपनी बुद्धि में रखता हूँ, मैं आपको सुना देता हूँ योग के लिए। पहला स्वमान है मैं मस्तक मणि हूँ, मस्तक के बीच में चमकती हुई मैं बाबा के मस्तक पर जाके बैठ गई, मैं मस्तक मणि हूँ। दूसरा स्वमान है मैं बाबा का नूरे रतन हूँ, बाबा ने मुझे अपने नजरों में रखा है, मैं उनकी नजरों में पलने वाली, अपने नूर में भी बाबा को बसाने वाली नूरे रतन हूँ। तीसरा, मैं बाबा के दिल तख्त की मालिक हूँ, दिल तख्त नसीन हूँ। तो ये ऐसे सुमान लेकर के मैं बाबा की दिल तक नसीन हूँ, मैं बाबा की राइट हैंड भुजा हूँ, मैं बाबा के साथ शिव शक्ति कंबाइन हूँ। तो ये 5 स्वरूप जो है, 5 सुमान जो मैं बता रहा हूँ, ये तो याद रख सकते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं, हम तो शिव बाबा की शक्ति हैं, शिव शक्ति बनकर के कर्म कर रहे हैं। कोई भी नौकरी धंधा सेवा करने जा रहे हैं, मैं खुदाई खिदमतगार, बाबा की राइट हैंड भुजा हूँ, बाबा को प्रसिद्ध करने के लिए कार्य मैं कर रही हूँ। जो भी करें हमारे बोल में चलन में ऐसे लगे कि भगवान के तरफ से मैसेंजर बन करके यहाँ आए हैं, तो ये सोमान अगर हम याद रखते हैं तो प्रैक्टिकल में हमारा मन का टाइम टेबल ऐसे बन जाता है और भटकना बुद्धि का बंद हो जाता है। तो अच्छी तरह से कुछ स्मृतियां लेनी चाहिए, जैसे 5 सुमान बताए ना, ऐसे ही हम 5 सुमान की स्मृति के साथ साथ, मान लो नहीं फिर भी याद आ रहा है तो कोई साधन बनाओ, कोई सामने एक अच्छा सा स्लोगन लिख करके रखो जिस पर ध्यान जाए आपका, कोई अच्छा गीत बजा दो, कोई कमेंट्री जिसमें रस आता हो। ऐसे नीरस चीजें अगर होंगी तो मजा नहीं आएगा, जिस बातों में रस हो ऐसा करके। योगी जीवन है हमारी, योग लगाने वाले नहीं है, जीवन का अनुभव होना चाहिए। हाँ जी, वेरी नाइस। मुझे वो बात अच्छी लगी कि जब बहुत बुद्धि भटक रही है तो फिर गाना लगा के थोड़ा उसको मन को थोड़ा धीमे कर दो, फिर स्वमान की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दैट वाज वेरी नाइस, थैंक यू भाई जी। उसी संबंध में एक और क्वेश्चन है कि जैसे परमात्मा से तो हमें बहुत अटूट स्नेह है, ऐसा तो हम सब मानते हैं कि बहुत प्यार है बाबा से, लेकिन फिर भी वो ये भी जानते हैं, जैसे बाबा हर एक टाइम हमेशा कहते हैं कि बहुत जल्दी टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, और हमें वार्निंग भी देते हैं। ये सब जानने के बाद भी हम देखते हैं कि फिर भी थोड़ा आलसपना आ जाता है, अलबेलापन आ जाता है। ये जानते हैं बाबा रोज सुबह कह रहे हैं यही सेम चीजें, लेकिन फिर भी इसका ज्यादा उसी 2 मिनट जब मुरली पड़ी शायद असर हो जाए, या आधा घंटा या 1 घंटा पूरा, जैसे वह है वो होता नहीं है, जाता नहीं है, समझ में नहीं आता या भूल जाते हैं हम, तो फिर उस समय कैसे अपने आप को और डिसिप्लिन किया जाए, और कैसे जैसे जैसे शाम होती है तो जैसे थोड़ा सा उसका प्रभाव हट जाता है, तो कैसे अपने आप को और डिसिप्लिन किया जाए? ऐसा है कि ये है अपने लगन पर। अगर लगन अच्छी है, बाबा के कई ऐसे बच्चे हैं
जो बहुत गुप्त ये पुरुषार्थ करते रहते हैं। जहां पर स्नेह होता है ना, लगन होती है, वो लगन अपने आप खींच ले जाती है कि ये करना है, ऐसी जीवन हमारी बाबा ने दी है। तो संगम पर जो हमारी प्राप्तियां हुई हैं, जो हमारी श्रेष्ठ जीवन बनी है, उस जीवन के महत्व को समझ करके बाबा की बातें हम सुनते हैं, भूल जाते हैं। कारण कई बार ये है कि हम अपने को देखने की बजाय दूसरों को देखने में लग जाते हैं। वर्तमान समय दूर की नजर हमारी बहुत तेज हो गई है, अपनी कम है, और दूर की नजर होने के कारण हम कहते हैं वो भी ऐसे करते हैं, वो भी ऐसे करते हैं, यहाँ भी ऐसे चलता है, कहते सब है, करता कोई नहीं। ये जो हमारे अलबेलेपन के बोल हैं, वो अलबेलेपन के बोल हमें भी अलबेला बनाते हैं। इसलिए आलस्य को जीतने के लिए अलबेलापन पहले समाप्त होना चाहिए कि जो करेंगे वो पाएंगे, हमें करना है, हमें बनना है, और बाबा ने हमें कहा है। कई बार हम मुरली सुनते हैं, हमारा ध्यान जाता है ये पॉइंट फलाने व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन ये मेरे लिए अच्छी है, इस पर ध्यान नहीं जाता। अगर हम ये समझे कि आज जो बाबा कह रहा है ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो फिर हमारा ध्यान रहेगा उसके लिए अच्छा है, उसके लिए पॉइंट हम भेज दें, उसको पता चलेगा, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। ये दूर की नजर हम बंद करके हम अपने को देखें और अपने पर ध्यान दें, तो अलबेलापन खत्म हो जाएगा, आलस्य खत्म हो जाएगा। रिवाइज करो, दृढ़ता का संकल्प करो, कभी कुछ हो भी गया तो ऐसे नहीं दिल से कष्ट हो जाओ, हमसे तो होता ही नहीं है, हम तो कर ही नहीं सकते हैं। कई आत्माएं बहुत जल्दी निराश हो जाती और निराश होने से वो दिल से कष्ट होकर के बैठ जाती हैं और आलस्य आ जाता। कुछ भी है, चलो आज एक दिन हो गया, कल से हम संकल्प करते हैं, रात को बैठ करके एक संकल्प ले लो, कल हमारा दिन बड़ा अच्छा अच्छा होगा, आज हो गया है इसको हम बिंदी लगाते हैं, कल से नहीं होने देंगे। तो संकल्प को रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू। हाँ जी, मुझे वो बात अच्छी लगी कि देखो अपना, देखो स्नेह चेक करो, जो बाबा के साथ जो स्नेह है उसमें लगन भी है या नहीं है, तो वो चेक करना है। और जैसे दूसरों को ना देखे, अपने आप को पहले देखे, तो वो पॉइंट बहुत अच्छी लगी। और आपने जो लास्ट में कहा कि हम जैसे निराश हो जाते हैं दो दिन के बाद या तीन दिन के बाद, मेरा अगला प्रश्न उसके ऊपर ही था। जैसे आजकल सब कुछ जैसे बहुत जल्दी इंस्टा का जमाना है कि दो मिनट आपने फोन किया तो आधे घंटे में खाना आ जाता है दरवाजे पे, या आपने कुछ ऑर्डर किया तो आ जाता है दरवाजे पे। तो हमें लगता है कि अभी हमने आज पुरुषार्थ शुरू किया तो कल तो पक्का सब कुछ आ जाएगा हमें, और जब नहीं होता है तो फिर निराश हो जाते हैं कि हम तो एक महीने से कर रहे हैं या एक साल से कर रहे हैं, और फिर भूल जाते हैं कि ये जैसे ये जर्नी है तो ये कॉन्स्टेंटली करना है। तो उस पर आप थोड़ा और लाइट डालेंगे प्लीज। क्या होता है कि कई बार हम लोग पुरुषार्थ करते हैं लेकिन विधि यथार्थ नहीं होती। जहां विधि यथार्थ है वहां सिद्धि तो मिलनी ही है। विधि को देखना चाहिए, चेक करना चाहिए, और नहीं चेक होता तो चेक करा लेना चाहिए कि मैं ऐसे प्रकार का पुरुषार्थ कर रहा हूं लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही है। कारण हो सकता है, कई बार जैसे बाबा से बातें हम करते हैं और हमारा लक्ष्य रहता है कि जो हमने बाबा को कहा, बाबा से बात पूछी, तो मुझे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, और जिस भाषा में हम पूछ रहे हैं उसी रूप में मिलना चाहिए। बाबा कहते हैं ये विधि यथार्थ नहीं है, आपकी भाषा अपनी है, मेरी भाषा है अलग है, मैं तो भावना की भाषा को समझता हूँ, आपकी स्थूल इंग्लिश हिंदी पंजाबी मैं ये नहीं जानता, आप उसी भाषा में रिस्पॉन्स चाहते हैं। आप बहुत दिल से, प्यार से, भावना से बाबा के आगे अपनी बात रखो, बाबा कहीं ना कहीं आपको गाइड करेंगे, कहीं टच करेंगे, किसी रूप से आपको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कोई शब्दों में आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा तो कैसे मिलेगा। तो विधि यथार्थ है तो सिद्धि मिलेगी, इसलिए विधि को चेक करो, और नहीं समझ में आता है तो किसी से पूछो कि ये हम कर रहे हैं, हमें सफलता नहीं दिखाई देती, निराश उदास होने की क्या बात है। जब भगवान कहता है सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, जो संकल्प करोगे वो सिद्ध होना ही है, पर नहीं हो रहा है तो निराश होने की बजाय देखो हमारी विधि कहीं गलत तो नहीं है, विधि को ठीक कर लोगे तो आप फिर से सिद्धि स्वरूप बन जाओगे। सही। और हमारे पास तो बहुत अच्छे टीचर्स भी है, वैशाली दीदी है, गीता सिस्टर है, तो वो तो इमीडिएटली हमें गाइड दे पाएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो वही प्रश्न का नेक्स्ट प्रश्न आता है मेरे हमारे मन में कि जैसे बाबा ने अभी आज कहा कि रात को सोने से पहले
अपनी दरबार लगाओ, कर्म इंद्रियों की दरबार लगाओ और चेक करो, जैसे बाबा भी वही किया करते थे। तो इसका मतलब क्या है, क्या कैसे, ये क्या विधि है, कैसे हमें अपनी खुद की दरबार लगानी है और क्या चेक करना है और क्या स्टेप्स क्या है इस पे? ऐसा है कि बाबा जब ध्यान में बैठते थे, ब्रह्मा बाबा जब गुरु के पास जाते थे, गुरु कहता था इतने माला जपो, इतना ध्यान करो, तो जब बैठते थे तो बिजनेस था बहुत ज्यादा, बाबा के जवाबदारियां थी, तो मन भटक जाता था। एक मिनट बैठे तो बाबा दो शब्द बताते हैं बड़े रमणीक, कि अगर मन भटकता था तो मैं अपने को चमाट मार लेता था, अपनी चुटकी काटता था, तुम भगवान का ध्यान क्यों नहीं करने देता, क्यों तुम भटकता है, मन से भी ऐसे बातें करता था, ये मन तुम मेरा वजीर है, तुम क्यों इधर उधर भटकता, मेरा कहना क्यों नहीं मानता, तुझको क्या चाहिए। तो बाबा ऐसे अपने मन से, अपने बुद्धि से समय पर समय जैसे अलग होकर के पूछते थे, भाई तुम क्यों भटकता है, देखो अभी गुरु का ध्यान करने का समय है, मैं भगवान के ध्यान में बैठा हूँ, तुम इधर जाता उधर जाता, ये बिजनेस का समय थोड़ी है, बिजनेस का समय होगा तो हम कर लेंगे, अभी तुमको भगवान का ध्यान करना। ऐसे अपने आप से बातें करना, यही है दरबार लगाना। तो कभी मन से बातें करो, कभी बुद्धि से। मान लो आंखें आपकी बड़ी चंचल हैं, बार बार खाने में पीने में किसी के रूप में किसी के रंग में बुद्धि जा रही है, तो आंखों से पूछो, तुम तो मेरा एक यंत्र है, एक दूरबीनी है, मैं आत्मा मालिक हूँ, तुम मुझे चंचल क्यों करती, तुम क्यों भटकती है। ऐसे एक एक कर्म इंद्रिय से जैसे बात करना, यही दरबार लगाना है। लेकिन जब हम अकेले में बैठते हैं, एकांत में बैठते हैं, तो आत्मा जैसे राजा एक गद्दी पर बैठा है और प्रजा ऐसे सारी बैठी हुई है, तो बाबा कहते थे जैसे दरबार लगती है तो एक तरफ वजीर है, एक तरफ उनके मंत्री हैं, एक तरफ कर्मचारी हैं, और राजा पूछता है आपकी तरफ जो जो आपको कार्य मिला है वो ठीक चल रहा है, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई सहयोग की जरूरत तो नहीं है, तो उनसे हाल चाल पूछता है, दरबार हो जाती है, कचहरी जिसको मम्मा कहती थी। ऐसे ही हम अपने संकल्पों से बात करें, अपनी बुद्धि से बात करें, अपनी एक एक कर्म इंद्री को देखें, कहाँ चंचल है, कहाँ भटक रही है, क्यों भटक रही है, क्या चाहिए, जब भगवान ने इतना सब दिया है फिर भी क्या आकर्षण है, क्यों हमारी बुद्धि भटकती है, क्यों योग नहीं लगने देती। तो ऐसे बात करना, यही है दरबार लगाना। बहुत अच्छा, थैंक यू। और जैसे जैसे हम बच्चों से बात करते हैं, छोटे छोटे बच्चों से बात करते हैं बहुत प्यार से, तो उसी तरह अपने मन से भी बहुत प्यार से बात करके देखिए, फिर अपने आप आंसर आता जाएगा। मन से ऐसे ही है, बच्चा ही है ना, उसको भी भटकने नहीं दो, भाई तुमको क्या चाहिए, तुमको मैं इतना सब दे रहा हूँ, अच्छा अच्छा भोजन दे रहा हूँ, अच्छी एक्सरसाइज करा रहा हूँ, फिर तुम मेरा कहना क्यों नहीं मानता है, तेरे को क्या चाबुक लगाऊं, चाबुक तो नहीं लगाऊंगा ना, तुम भले घोड़ा है लेकिन हमारे हाथ में लगाम है श्रीमत की, तो बात करेंगे ना तो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। इसको ऐसे मारना नहीं है, चाबुक नहीं लगाना, लेकिन मान लो जा रहा है तो जाने दो, अच्छा कहाँ जाता है क्यों जाता है, देखो तो कम से कम साक्षी होकर के, देखते देखते रुक जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। ओह, बहुत अच्छा पॉइंट था कि देखते रहो साक्षी होके, फिर अपने आप आ जाएगा संबल में। वेरी नाइस, थैंक यू भाई जी। एक और प्रश्न है मुरली के ही संबंध कि जैसे बाबा जब बाबा बात करते हैं तो जैसे जो भी उस समय आए होते हैं, जो भी पार्टियां उस समय आई होती है, जैसे इस मुरली में इंदौर से आई थी और मेडिकल विंग से पार्टियां आई थी, तो कभी कभार जब हम सुन रहे होते हैं तो बाबा जैसे कहते हैं कि इंदौर से पार्टी आई है या मेडिकल विंग से आई है, और मैं अगर इंदौर से नहीं हूँ या मैं मेडिकल विंग को नहीं बिलोंग करती हूँ, तो अपने आप बुद्धि पे चली जाती है कहके कि ये तो बाबा उनसे कह रहे हैं, ये मेरे से नहीं कह रहे हैं। तो उस समय कैसे जो बाबा शब्द कह रहे हैं, कैसे उससे सुन के कि ये शब्द मेरे लिए भी कहा जा रहा है, कैसे उससे भी फायदा लिया जाए? ऐसा है कि अगर कोई प्रोफेशन है, डॉक्टर है, तो उनको बाबा सामने है उनके, तो बाबा जरूर उनके प्रति कुछ हवा के उच्चारण करते हैं, भाई आप डबल डॉक्टर हो, आपको ये सेवा करनी है, केवल एक सिंगल डॉक्टर बन के नहीं रहना है, तो बाबा उनकी तरफ बोल रहे हैं। लेकिन हमको भी कह रहे हैं अगर मान लो आपकी कोई दूसरी जॉब है तो हम डबल वो कर सकते हैं, सिर्फ डॉक्टरों के लिए नहीं कहा है, लेकिन हमको भी बाबा ये प्रेरित कर रहे हैं कि हम भी डबल सेवा कर सकते हैं, हम इंजीनियर हैं तो डबल इंजीनियर हैं,
हम कोई भी प्रकार का प्रोफेशन कर रहे हैं तो हम डबल कार्य करें, माना लौकिक जॉब करते हुए भी अलौकिक रीति से भी उस सेवा में हम सहयोगी बने। तो ऐसे ही बाबा मान लो इंदौर से या कोई भी ग्रुप से मिल रहे हैं तो उस जोन की एक दो लाइन में विशेषता सुनाते हैं, फिर तो शिक्षाएं देते हैं, और ये शिक्षाएं तो सारे ब्राह्मण परिवार की हैं इसलिए तो लिखी जाती है, नहीं तो उनको ही हम कॉपी करके दे दे। मैं अगर इंदौर के लिए बाबा ने बोला है तो इंदौर वालों को हम दे दें, क्यों हम प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट इसीलिए करते हैं कि इसमें बाबा ने जो कहा है केवल इंदौर को नहीं कहा है, केवल महाराष्ट्र को नहीं कहा है, लेकिन हम सब बच्चों को सामने रख करके कहा है, उनको सामने है इसलिए उनको एक दो बार नाम लेकर के बाबा बोल देता है, बाकी सारे बच्चे बाबा के हैं। और बाबा तो हर एक शिक्षा हर बच्चे को देता है, एक को नहीं देता। जी ठीक है। अभी जो प्रश्न है वो, हाँ जी हाँ जी, अभी जो प्रश्न है वो मुरली को रिलेटेड नहीं है बट एस जनरल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि कितनी भी मुश्किल परिस्थिति होती थी तो ब्रह्मा बाबा कभी हलचल में नहीं आते थे, इसमें बाबा का 100% बाबा का पुरुषार्थ था। तो प्रश्न ये है कि इसमें बाबा का 100% मेहनत है या ये ड्रामा में बाबा के लिए ये सब नूंद था तो इसलिए है, तो ये कैसे है, ये बाबा का पुरुषार्थ या नूंद था ड्रामा में तो इसलिए बाबा के लिए ये सहज हुआ। ड्रामा की नूंद को तो हम बाद में देखते हैं, लेकिन बाबा ने पुरुषार्थ किया। बाबा की बुद्धि में निश्चय बहुत पक्का था कि विजय हमारी निश्चित है और भगवान हमारे साथ है। जब वो हमारे साथ है तो कोई भी परिस्थिति आई, जैसे भोजन की बात आई, आर्थिक रूप में बाबा के आगे बहुत बड़ा पेपर आया। अब इतने सब बच्चे, सब तो ब्रह्मा बाबा को ही सामने देखते थे, अब ब्रह्मा बाबा ने बच्चों की इतनी प्यार से पालना की। सिंध में हैदराबाद में कहते थे ओम मंडली में पिस्ता बादाम ही खाते हैं, इतना साहूकारी की रीति से बच्चों को 14 साल तक बाबा ने पालना दी। लेकिन जब आबू में आए तो सबसे बड़ा पेपर आर्थिक रूप में आया, बीमारियां आई उसको तो ठीक है, उसके लिए तो बाबा अलमाइटी कोई ना कोई दवाई भेज देते थे, लेकिन जब आर्थिक रूप में खाने के लिए नहीं है, पैसा ही नहीं है, कोई भी प्रकार का कुछ भी सहयोग नहीं और 350 लोग खाने वाले हैं, तो एक लौकिक में भी बाप को चिंता तो होगी कि इतने सब बच्चे हैं, मान लो कोई को 5-6 बच्चे हों और आपके पास पैसा ही ना हो, कुछ भी ना हो भंडारे में, और बाबा कह रहा मांगने से मरना भला, किसी से मांगना नहीं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, तो नेचुरल है कि ब्रह्मा बाबा को उस समय तनाव हो सकता था। लेकिन बाबा को ये निश्चय था कि ये स्थापना का कार्य शिव बाबा का है, मेरा नहीं है, और ये सब बच्चों ने शिव बाबा को जीवन दिया, मुझे नहीं दी है, मैंने कोई इनके साथ ऐसा नहीं किया है कि मैंने इनको अपने में फंसाया है, ये सब शिव बाबा को अर्पित हुए हैं और बाबा इनकी पालना करेंगे, ये निश्चय बाबा को बहुत पक्का था, इसलिए बाबा बहुत निश्चिंत स्थिति में रहे, कभी हलचल में आए नहीं, और निश्चय था कि कहीं ना कहीं से बाबा इनको खिलाएगा। बाबा कहता था विधि एक ही है, योग करो, योग करवाता था और पैसा आता था। जब बाबा ने योग में बिठा दिया, कोई ना कोई आकर के कोई लिफाफे में दे गया, कोई कैसे दे गया, और भंडारा चला, कभी एक दिन भी बाबा ने बच्चों को भूखा नहीं सोने दिया, लेकिन विधि अपनाई, योग की विधि कि चलो बच्चे आज हम 2 बजे योग करेंगे। एक दिन की बात सुनाई है, कहानी सुनी होगी आपने, होली के दिन थे, बाबा ने अचानक मुरली चला दी, बच्चे कल होली है, जलेबी का भोग लगेगा। अब जलेबी का भोग लगेगा, ना आटा है, ना मैदा है, ना चीनी है, घी है, कुछ भी नहीं है, तो तुरंत भंडारे वाली बहन आई, कहती बाबा आपने कहा कल जलेबी का भोग लगेगा, कैसे लगेगा, है ही नहीं कुछ। कहती बच्ची मैंने नहीं कहा, शिव बाबा ने कहा है, और शिव बाबा ने कहा है तो जरूर बच्चों को खिलाएगा, हम क्यों चिंता करें, चलो हम योग करते हैं 2 बजे उठ करके। बाबा ने सबको 2 बजे योग में बिठा दिया, और जब 2 बजे सब योग में बैठे तो सामने एक सिंधी परिवार रहता था, माता बहुत भावना वाली थी, उसका पति थोड़ा सा एंटी रहता था, उसकी नींद फिट गई, कहता देखो उठा अपने युगल को उठा के 2 बजे बोलता है, देख तेरे बाप बाबा ने क्या किया, इन बच्चियों को आज त्योहार पर भी 2 बजे उठा के बिठा दिया योग में, और मुझे कह रहा है तेरे पास जितना है सब ले आ, सब भेज दे, तो तुम देख अलमारी में कितना रखा है, जो भी रखा अभी दिया जाकर। कहती अरे अभी कहाँ, रात को जाऊंगी, वो डांटेंगे, क्यों हम जाएं। कहता नहीं अभी जाओ, सवेरे तक मेरी बुद्धि बदल जाएगी,
अभी तुम्हारे पास जो रखा है अलमारी में सब दो। वो रात को ही उठ करके सब लेकर के गई और दिया जाके तो दादियों ने कहा तुम इतने रात को क्यों आई, तेरा पति डांटेगा मारेगा। बोला उसी को नींद नहीं आ रही है, उसी ने भेजा, ये ले लो और तब उसको नींद आएगी। और सवेरे सवेरे भोग लगा जलेबी का, सब साधन आए, भोग बन गया जलेबी का, पैसा आ गया। तो बाबा अपनी विधि को नहीं छोड़ा और निश्चिंत स्थिति में रहा कि विधि अपनाओ, सिद्धि बाबा अपने आप देगा। तो बाबा का निश्चय था, बाबा का पुरुषार्थ था, और ड्रामा तो था ही, लेकिन बाबा ने कोई कम मेहनत नहीं की है, पुरुषार्थ करके अपने आप को अच्छा लडोल बनाया है। हाँ जी भाई जी, ये अच्छा लगता है जब वापस ये सुनते हैं बाबा की जीवन कहानी के बारे में कुछ सुनते हैं, तो और भी विश्वास पक्का हो जाता है, फिर ऐसे प्रश्न आते नहीं है मन में। तो थैंक यू आपने ये शेयर किया उनकी स्टोरी के बारे में। मेरा अगला सवाल ये है कि दो सवाल है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि 100 साल के संगम, जैसे ऐसे हमें लगता है कि संगम 100 साल का है और अभी उस हिसाब से 15 साल बचे हुए हैं, तो बाबा क्यों कहते हैं कि विनाश की डेट अब तक फिक्स नहीं है जब संगम खाली 100 साल का है। तो जो कैलकुलेशन जिन्होंने भी किया है उनके हिसाब से 15 साल बचते हैं, क्योंकि स्टार्ट डेट तो हमें किसी को पता नहीं है, तो वो एक क्वेश्चन है कि बाबा क्यों कहते हैं कि विनाश की डेट अब तक फिक्स नहीं है। और दूसरा उसी को जुड़ा क्वेश्चन है कि संगम युग में लेट और टू लेट का टाइमलाइन क्या है। ये बात मैंने अभी सुनाई पहले क्लास में, मैं बता रहा हूं कि अगर बाबा कह दे कि इस डेट को विनाश हो जाएगा, बाबा को तो सब पता है कब होने वाला है, क्योंकि वो तो जानी जाना नहार है, नॉलेजफुल है, उसको नहीं मालूम ऐसा नहीं है। लेकिन अगर बता देगा तो बच्चे डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, सोल कॉन्शियस नहीं बनेंगे। इसलिए बाबा कहता डेट नहीं बताई जाएगी, निश्चित तो ही परिवर्तन तो होना ही है, फुल विनाश की तैयारियां हैं। और सब प्रकार का जो कुछ बाबा ने भविष्य में देखा था, पहले बताया था ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनेंगे, प्राकृतिक आपदाएं गई, आज कितने तूफान आ रहे हैं, कहीं बर्फ देखो कितनी ठंडी पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है, पांचों तत्व प्रकृति के अपना रूप दिखा रहे हैं। तो परिवर्तन में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ ही सेकंड में भी समाप्त हो सकता है। आज एक बम चल जाए, एक तरफ से अगर कुछ चल जाए तो दूसरा उसी समय उड़ा देगा पूरे विश्व को, इसलिए इसमें देरी नहीं है। बाबा कहता बच्चे डेट नहीं बताऊंगा, लेकिन होना तो है, परिवर्तन होना, आप तैयार रहो, आप अचानक के खेल में तैयार रहो, इस कॉन्शियस में नहीं आओ, सोल कॉन्शियस स्थिति में रहो। 15 साल 20 साल हमारे को इस कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलना है। कैलेंडर देख करके हम कह रहे 15 साल 20 साल, लेकिन बाबा जानता है परिवर्तन तो निश्चित है और होना है, लेकिन बच्चे तैयार हो जाएं। बाबा अपने बच्चों को, और वो डेट बची है जो अभी जय जयकार नहीं हुई, प्रत्यक्षता नहीं हुई है। प्रत्यक्षता के लिए अभी सब एडवांस पार्टी की आत्माएं वतन से कर रही हैं, साकार में हम सब हैं, लेकिन वतन में तो वो सब बैठे हैं। आदारी जानकी के अंदर उमंग देखो, प्रकाशमणि दादी का उमंग, गुलजार दादी भी बाबा के साथ, तो इतनी सब आत्माओं का संगठन समूह वहां है, वो सब शांति से बैठने वाली आत्माएं नहीं है। ये तुरंत बाबा से कराएंगे और होने वाला है, लेकिन हम सब तैयार रहे बस, तो विनाश के पीछे नहीं जाओ। बाकी जो टू लेट वाली बात है, जब तक स्थापना का कार्य संपन्न है, जय जयकार होना ही माना टू लेट का बोर्ड लग जाना, फिर कोई को भी चांस नहीं है सफल करने का। सफल करने की जहां बात आती है, तन मन धन सफल हो जाए, वो उसी दिन बंद हो जाएगा जिस दिन सब चारों तरफ से भगवान आ गया है, भगवान आ गया वापस ले जाएगा। तो जय जयकार होने का देर है, बस उसी समय टू लेट, फुल टू लेट लग जाएगा, फिर कोई का सफल नहीं होगा, कोई पुरुषार्थ करने का समय नहीं बचेगा। मैं जहां तक समझता हूँ उसी का इंतजार है कि एक तरफ हाहाकार की तैयारी है और जय जयकार हो, बाबा का एक साक्षात्कार का लहर चले, सब पूरा हो जाएगा। हाँ जी भाई जी, थैंक यू। आई थिंक ये बहुत क्लियर हो गया होगा सबको इस क्वेश्चन का आंसर सुन के, थैंक यू। एक क्वेश्चन ये है कि अपने आसपास वाले जो आत्माएं हैं, उन्हें जैसे अगर उन्हें ज्ञान पसंद नहीं है, वो सहयोगी नहीं है, तो उन्हें और वो सुनने के लिए रेडी भी नहीं है, तो अंत समय में जैसे बाबा कहते हैं जो ज्ञानी नहीं है, तो अंत समय में
उनकी जो परेशानी होगी, उनकी उलाहना होगी, तो उस समय हम कैसे, उससे कैसे हम बचे? ऐसा है कि हम अपना फर्ज पूरा करें, फर्ज पूरा करो, उन तक एक पर्चा फोल्डर कुछ उनको दान दे करके, संदेश दे करके, सुने या ना सुने, एक बार उन तक कान में अपना फर्ज पूरा करना चाहिए, देना चाहिए, और फिर समय आएगा तो अपने आप आपके जीवन को देख करके उनको प्रेरणा तो जरूर मिलेगी कि ऐसी जीवन इतने तनावपूर्ण वातावरण के बीच में ये लोग कैसे रहते हैं, इनको कोई भी चिंता नहीं है, कोई भी गम नहीं है, कोई भी प्रकार का परवाह नहीं है, तो वो देख करके कुछ ना कुछ अंदर अंदर सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, भले ऊपर से नहीं सुन रहे हैं लेकिन अंदर से मानते हैं। तो आप अपना फर्ज पूरा कर लो, और उलहना देने की बात वहां आती है जहां पर हमने उनको कुछ कहा ही नहीं, बताया ही नहीं है, सुनाया ही नहीं है, वो उलहना देंगे कि हमारे को बाजू में रह करके आपने कभी कहा ही नहीं, बताया तक नहीं। हम एक बार उनको अपना बाबा का मैसेज कहीं ना कहीं से ऐसे सुनते सब हैं, अपनी तरफ से भी फर्ज पूरा करें और फर्ज पूरा करके निश्चिंत रहें, समय आएगा अपने आप उनको रियलाइज होगा, बाबा को मानेंगे, समझेंगे, ज्यादा इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक बार संदेश देने का कार्य पूरा करो। तो मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है कि नष्टमोह बनते समय स्नेह, नष्टमोह बनते हुए स्नेह कैसे दिखाया जाए कि जो सामने वाला भी है वो देख पाए? ये तो जैसे प्रश्न है कि तो जैसे दिखावा हो जाएगा कि हम नष्टमोह स्थिति में हैं और फिर स्नेह दिखा रहे हैं परिवार से, तो वो उसका बैलेंस कैसे किया जाए? ऐसा है कि इसका बैलेंस बाबा यही सिखाता है कि देह भान से न्यारा रहना है, परिवार से लोगों से न्यारा नहीं बनना है। जितना हम देह भान से न्यारे रहते हैं, आत्म अभिमानी स्टेज में रहते हैं, तो ये सब आत्माएं एक पिता के बच्चे हैं, हमको पार्ट के लिए साथी, सेवा साथी मिले हैं, तो उनकी हम पालना करते हैं, उनको हम स्नेह देते हैं, लेकिन वो हमारे में न फंसे और हम उनमें न फंसे, इसका हमें अटेंशन देना है। नष्टमोह का मतलब ये नहीं है कि उनको हम पूछेंगे नहीं, जन्म दिया है, पढ़ाओ, बड़ा करो, उनको योग्य बनाओ, उनको अपने पांव पर रखो, लेकिन अगर वो मानते नहीं है और कोई दूसरे रास्ते पर जाते हैं तो दुखी नहीं हो। मोह वहां पैदा होता है जहां हमें संबंधों में दुख होता है, दुख ना हो, उनका पार्ट है, वो पार्टधारी है, वो साथी है, हमें बाबा के तरफ से अमानत मिली इनकी हम सेवा करें, संभाल करें, ऐसा नहीं उनको हम ऐसे निग्लेक्ट करके चल रहे हैं। नष्टमोह का अर्थ ये नहीं है कि आप निग्लेक्ट करके चलो, अपने देह से न्यारे रह करके, देहभान से न्यारे रह करके, आत्मा समझ करके उसकी सेवा करो, उसकी पालना करो, निस्वार्थ रूप से करो, तो सच्चा स्नेह है, ये दिखावे वाला स्नेह नहीं है। स्नेह माना दुख नहीं है उसमें। अब कोई स्नेह है, मान लो आज कोई बीमार है, तो आज बीमार की कितने प्यार से लोग सेवा करते हैं, भले उनके संबंध हो ना हो। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ, मेरे लौकिक चाचा जी अभी मधुबन में थे, पिछले साल शरीर छोड़ा, दो भाई आए, अब चाचा जी को 8-10 दिन ही बिस्तर पर ही सब कुछ होने लगा, लेटरिन वगैरह। मैंने कहा जमादार रख देता हूँ, नहीं नहीं भाई जी, चाचा जी मेरे हैं, मैं सफाई करूंगा, ये करूँ, उन बच्चों का मोह थोड़ी था उनका, मेरा लौकिक संबंध था, लेकिन मैं तो अपनी डिपार्टमेंट, अपनी सेवाओं में बिजी था, मैं नहीं कर सकता, और मैं कह रहा मैं जमादार रख देता हूँ, मैं सेवा करेगा, उन्होंने नहीं नहीं मेरे चाचा जी, उन्होंने बहुत दिल से प्यार से सेवा की। तो सेवा करना, स्नेह से करना, ये एक फर्ज बनता है, उनका कोई अटैचमेंट थोड़ी था, वो शरीर छोड़ा उसके बाद वो थोड़ी रोए, कोई नहीं आंसू आया, लेकिन ठीक है जब तक थे तब तक सेवा की। तो सेवा करना, तो मैं समझता हूँ सच्चा स्नेह है, मोह वाला नहीं है। हाँ जी भाई, दुखी नहीं। थैंक यू उस क्लैरिटी के लिए, थैंक यू सो मच। हमारे, मुझे लगता है कि हम सबके क्वेश्चंस बहुत प्यार से आपने आंसर किए, उसके लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका कि आपने हमें टाइम दिया। मैं अभी वैशाली दीदी को आमंत्रण करती हूँ, वो आगे का प्रोग्राम बताएंगी। थैंक यू भाई जी, और हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ गीता दीदी जुड़े हैं, आप अभी सैन फ्रांसिस्को में ही हैं, और विशेष चंद्र दीदी की याद प्यार के साथ गीता दीदी। राजू भैया ने मुरली जो बाबा हम बच्चों की जो खुशी है, आत्मा की खुशी है, उनके बारे में सब प्रश्न का उत्तर दे दिया है, और खास यही है
कि राजू भाई ने कैसे पूरी बाबा की मुरली का स्वरूप भी बन गया है। तो अच्छा है कि आज हम सभी को इतना अच्छा लाभ लिया। तो आज का जो मुरली खास बताया, तो हम सभी जब भी सेकंड गुरुवार को जब आएंगे तब तक हम सभी इसके स्वरूप में चले जावे, तो बहुत ही अच्छी तरह से हम सभी का जैसे बुद्धि को योग बाबा के साथ जुटे रहे, तो बहुत सारी आत्मा को संदेश भी मिल जाएगा। कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं रहेगी। भैया जी ने एकदम प्यार से हमको सब कुछ बता दिया। अभी हम दोबारा हम सभी सूक्ष्म में करते रहे। तो राजू भैया आपको जुग जुग बहुत ही शुक्रिया कि सभी बाबा के प्यारे बच्चों को ये बुद्धि से एकदम जैसे क्लैरिटी दे दिया कि अभी किसी का भी प्रश्न नहीं रहेगा और ही अच्छी तरह से योग भट्टी चलती रहेगी। ऐसे है ना, सबका हाथ खड़ा करो, है ना सबका। राजू भैया हमारी जैसे सामने है। ओम शांति। कम सुन राजू भाई जी, वी आर वेटिंग फॉर 16th। ओके ओम शांति। जाना अब तो
सृष्टि चक्र की सृष्टि चक्र की